हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। हम इस वीडियो में जानेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या होती है और इसका बेनिफिट किसे मिलता है और इसके एडवांटेज क्या हैं और इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। साथ ही हम जानेंगे कि इसमें इंटरेस्ट रेट कितना है और हम इसमें कैलकुलेटर भी देखेंगे कि अगर एक राशि हम अभी से जमा करना स्टार्ट करते हैं तो जब यह अकाउंट मैच्योर हो जाएगा उसके बाद हमें कितनी राशि मिलेगी और यह अकाउंट मैच्योर कितने टाइम में होगा। इसके अलावा भी दोस्तों हम इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, तो आप इस वीडियो में डटे रहें बिल्कुल एंड तक। तो दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक सेविंग स्कीम है। इसमें बच्ची के माता पिता एक छोटी बच्ची के नाम पर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। बच्ची की उम्र होना चाहिए जन्म से लेकर 10 साल तक। अगर 10 साल से बड़ी आपकी बच्ची है तो आप उसका अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। अगर 10 साल से कम है और जन्म से लेकर कम से कम कोई भी एज लिमिट नहीं है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल है। अगर आपकी बच्ची जन्म होती है और आप उसका नाम रख देते हैं और आपके पास उसका बर्थ सर्टिफिकेट आ जाता है उसके बाद आप उसका अकाउंट ओपन करवा सकती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को 22 जनवरी 2015 में लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों, अगर आप भी एक बच्ची की माता हैं या फिर पिता हैं और आप अपनी बच्ची का अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं इस स्कीम के अंदर, तो आप बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट लेकर और अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड, और बच्ची का भी अगर आधार कार्ड बन गया है तो उसको लेकर आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, या फिर किसी बैंक की ब्रांच में जा सकते हैं और वहाँ पर यह अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएगा। और इसमें आप एक साल के अंदर कम से कम 250 रुपये जमा करना जरूरी रहता है, ठीक है, और अधिकतम आप 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। और दोस्तों, यह अकाउंट आपका 21 साल में जाके मैच्योर होता है। अब काफ़ी सारे लोगों का डाउट रहता है कि बच्ची की उम्र 21 साल होनी चाहिए या फिर जब से अकाउंट ओपन करवाया है तब से 21 साल। तो दोस्तों, बच्ची की एज कुछ भी हो, जब से आपने अकाउंट ओपन करवाया है उस दिन से लेकर 21 साल जब हो जाएंगे उस टाइम पर आपका अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। और इसमें आपको जो पैसा जमा करना है तो 21 साल तक नहीं करना होता, आप इसमें 15 साल तक जमा कर सकती हैं। 15 साल पर जो राशि होगी, ठीक है, तो उसी पर फिर ब्याज चलता रहेगा 21 साल तक। और दोस्तों, इस स्कीम के अंदर चक्रवृद्धि ब्याज चलता है, मतलब कि आपका एक साल में जो भी टोटल हुआ ब्याज लगाकर तो उस पर ब्याज चलना स्टार्ट होगा, मतलब कि ब्याज पर ब्याज भी आपको मिलता रहता है। तो दोस्तों, अगर आप इस स्कीम के अंदर अपनी बच्ची का अकाउंट ओपन करवा रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं उसकी शादी के लिए ये पैसा जमा कर रहा हूं, तो दोस्तों यहां पर आपको एक पॉइंट नोट करना है कि सरकार के अकॉर्डिंग आप बच्ची की शादी कर सकते हैं 21 साल के बाद, ठीक है, पहले 18 थी लेकिन अब 21 कर दिया गया है। तो जब बच्ची की उम्र, ठीक है, अभी मान लीजिए कि उसकी उम्र है 5 साल, ठीक है, और 21 साल में अकाउंट मैच्योर होगा, तो आपको कहीं ना कहीं जो पैसा है तो 26 साल की जब आपकी बच्ची हो जाएगी तब मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप शादी के लिए ही पैसा जमा करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा यहाँ पर अपना कैलकुलेशन कर लें कि आपकी आपको अपनी बच्ची की शादी किस उम्र में करनी है, ठीक है। हो सकता है कि आपको शादी 2 साल पहले करनी हो लेकिन आपको पैसा 2 साल बाद मिल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, आप ये भी यहाँ पर पहले से अपने माइंड में थोड़ा सा बैठा लें, ठीक है। और दोस्तों, इस स्कीम के अंदर अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो आपको ऑफलाइन में ही करना होगा, ना ही कोई बैंक और ना ही पोस्ट ऑफिस इसको अभी ऑनलाइन ओपन करने की फैसिलिटी देते हैं। तो ये आपको बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में जाके ही ओपन करवाना है, घर बैठे मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से आप अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। और दोस्तों, बात करें अगर इसमें इंटरेस्ट रेट की, तो इसमें इंटरेस्ट रेट आपको काफ़ी अच्छा मिल रहा है, PPF और FD और सेविंग अकाउंट से भी ज़्यादा, जो कि दोस्तों 7.6% है। तो दोस्तों, यह अभी के टाइम पर इन्फ्लुएंसर रेट को भी बीट कर पा रहा है और नहीं तो उनके लेवल में चल रहा है। तो दोस्तों, ये यहाँ पर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है फ्यूचर के लिए। तो सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर अकाउंट की मैच्योरिटी का टाइम है 21 साल, यानी कि 21 साल बाद आप इसमें से पूरा पैसा निकाल सकती हैं। लेकिन मैच्योर होने से पहले अगर आपको बच्ची की एजुकेशन के लिए या फिर उसकी बीमारी के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर एक पॉइंट है, 18 साल बच्ची की उम्र होनी चाहिए। तो उस टाइम पर अगर बच्ची की उम्र 18 साल है तो आप इसमें से 50% तक पैसा निकाल सकते हैं। और अभी इस अकाउंट को आप ओपन करवा रहे हैं लेकिन जब आपकी बच्ची 18 साल की हो जाएगी उस टाइम पर आपका इसमें अधिकार बिल्कुल भी नहीं बचेगा, पूरा का पूरा अधिकार हो जाएगा बच्ची का, तो फिर इस अकाउंट को बच्ची हैंडल कर सकती है। तो दोस्तों, इसके यहाँ पर कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं कि आपने जिंदगी भर की कमाई इसमें इकट्ठी करी लेकिन एक टाइम पर उस पर अधिकार हो गया सिर्फ बच्ची का। तो दोस्तों, ये इसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि इसमें आपने लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है,
और आजकल के बच्चे कुछ इस तरीके से होते हैं जो कि अपने मन की करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये सोचा कि मैं इसमें पैसा जमा कर रहा हूँ, मैं अपनी बच्ची की शादी करूँगा, लड़की का घर बसा दूंगा। लेकिन मान लो कि उस लड़की का माइंड है, ठीक है, आजकल के बच्चे क्या है, इसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, ठीक है, और हो सकता है कि आपकी उम्र मेरी तरह हो तो आप भी इसमें आती हो, कि लोग ना अपने मन की करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप घर वाले बोलते हैं कि हम बच्चे की शादी करा देंगे, ठीक है, हमारी लड़की का घर फंस जाएगा, लेकिन लड़की के सपने हैं कि उसको हायर एजुकेशन चाहिए, ठीक है, या फिर उसको एक्टर्स बनना है, या फिर उसको क्रिकेट में जाना है, ठीक है, या फिर मान लो कि वो अपना मार्केट बनाना चाहती है शेयर मार्केट में, तो उसने वो वहाँ से पैसा लिया क्योंकि पूरा अधिकार उस बच्ची का है, ठीक है, तो वो वहाँ से कहीं निकाल के लाई, शेयर मार्केट में लगा दिया। लेकिन आप चाहते हो कि मैं इससे इसकी शादी करूँ, तो दोस्तों ये यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। साथ ही अगर एक और नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो दोस्तों ये है कि अभी इसमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है तो 7.6 है, ठीक है, 7.6 है। तो अगर इसको हम देखें 2015 की तुलना करते आएँ तो आप देखोगे कि 2015 में यही ब्याज मिल रहा था 9.2%, लेकिन तब से ये क्या है, कमी कम होता आ रहा है। लेकिन एक टाइम पर मान लीजिए कि है 6% पर जाकर रुकता है, या फिर 5% तक पहुंच जाता है, या फिर सेविंग अकाउंट की तरह 2.5 या फिर 3% देने लगे, तो भी दोस्तों हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर गवर्नमेंट ने कोई पॉइंट क्लियर नहीं किया है कि इसका हम इतने से ब्याज देना कम नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी इसका कम ही होता आ रहा है, हो सकता है कि ये और भी कम हो जाए। वैसे दोस्तों गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा टेंशन रहता है क्योंकि उसको भी वोट चाहिए रहते हैं, ठीक है, तो वो इसको ज़्यादा डाउन तो ले जा नहीं सकते, लेकिन दोस्तों फिर भी कुछ कह नहीं सकते। अभी मान लीजिए कि 10 साल बाद बैंक ब्याज देना कम कर देती है, लेकिन आपने 10 साल तक पैसा जमा कर दिया और बीच में आप निकाल नहीं सकते, तो एक टाइम पर क्या है, खुद को फंसासा महसूस करोगे कि यार ये मैं क्या पर फंस गया, ठीक है। उस टाइम पर बताया था 7.6% का, लेकिन अभी के टाइम पर देखो कितना ब्याज मिल रहा है। तो दोस्तों ये इसका थोड़ा सा पॉइंट है। वैसे दोस्तों इसके काफ़ी सारे एडवांटेज भी हैं, ठीक है, जो कि अभी मैंने आपको बताया थी कि आपकी बच्ची का भविष्य सिक्योर हो रहा है। और अभी के टाइम पर अगर देखा जाए ना तो इसमें इंटरेस्ट बाकी की स्कीम से ज़्यादा मिल रहा है। PPF एक अच्छी स्कीम मानी जाती है, तो उससे भी 0.50% आपको यहाँ पर इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है। तो दोस्तों इसमें अकाउंट ओपन करने के काफ़ी सारे रीज़न है, ठीक है, और दो रीज़न है कि जिससे आप इसमें अकाउंट नहीं खुलवा सकते। तो दोस्तों मैं तो इसको एक बेनिफिट की तरह लेके चलूँगा, ठीक है, क्योंकि बात यह है कि बच्चों के लिए जब हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं उनके भविष्य के लिए, तो कहीं ना कहीं हम उनको एजुकेशन भी देंगे, ठीक है, तो उस पैसे का वो गलत यूज नहीं करेंगे। तो दोस्तों अभी हम इसका कैलकुलेटर देख रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना का। अभी इधर आप देख सकते हो कि ब्याज मिल रहा है 7.6% का, ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना में। और मान लीजिए कि आप ईयरली इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप हर महीने करते हैं 1,000 रुपये, ठीक है, बेटी के नाम से आप हर महीने 1,000 कर रहे हैं, तो आप एक साल में कितने कर दोगे दोस्तों, 12,000 रुपये। और अभी आपकी बेटी है मान लीजिए कि 2 साल की है, ठीक है, और अभी आपने ये करवाया 2021 नहीं, आप इधर 2023 में करवाओगे, ऐसा है, ठीक है। अभी मैं इसको इधर से बढ़ा लेता हूँ। अब दोस्तों 2023 हो गया, तो इधर अभी आपका अकाउंट है तो मैच्योर होगा 2044 में, तब तक आपने इसमें पैसा जमा किया 1,80,000 रुपये, और इसमें आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 3,29,212 रुपये। तो जो आपको टोटल मिलेगा अमाउंट वो होगा 5,09,212 रुपये। तो 2044 में महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होगी, तो दोस्तों 5 लाख में आप बेटी की अच्छे तरीके से शादी शायद ना कर पाओ। वैसे तब तक शायद दहेज बंद हो जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर मान के चलते हैं कि आपने एजुकेशन के लिए या फिर बीमारी के लिए भी कभी आपको अर्जेंट नीड पड़ी, जब आपकी बेटी 18 साल की हो गई तब आपने निकाल लिया, तो अब आपको क्या करना है, या तो आप साल में एक बार करवा दीजिए, ठीक है, या फिर आप हर महीने 2,000 रुपये जमा करवा दीजिए, ठीक है। अगर आप हर महीने 2,000 जमा करेंगे तो ईयरली होगा आपका 24,000 रुपये, तो तब तक आप इसमें जमा कर चुके होंगे 3,60,000 रुपये, ठीक है, और जिस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6,58,425 रुपये। 2044 सेम रहेगी मैच्योरिटी ईयर तो, लेकिन तब तक जो आपका अमाउंट हो जाएगा टोटल, ठीक है, ब्याज और आपका जो मूलधन है, ठीक है, और इंटरेस्ट दोनों जुड़कर 10,18,425 रुपये। अगर आप मान लीजिए कि इसमें 1.5 लाख ही जमा करवाती हैं हर साल, ठीक है, और अभी आपकी बेटी 2 साल की है, दोनों आपकी बेटी मान लीजिए कि बड़ी भी हो सकती है, ठीक है, कोई कोई हमारी वीडियो देख रहा होगा
तो उसकी बेटी मान लीजिए 5 साल की है, ठीक है, 2023 में आप करवा रहे हैं तो आप हर महीने 1.5 लाख कर रहे हैं, ठीक है, 15 साल दोस्त, ये इधर 15 साल का आ रहा है, ठीक है, तो इधर आप 15 साल में जमा कर पाओगे 22,50,000 रुपये और आपको इंटरेस्ट मिलेगा 41,15,155। 2044 में आपको रुपए मिलेंगे 63,65,155 रुपए। तो दोस्तों ये है सुकन्या समृद्धि योजना का बेनिफिट। देखो तो दोस्तों इस वीडियो में तो बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।